चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत बातें आ रही है, बहुत से न्यूज़ आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होगी, वहाँ होगी, हाइब्रिड मॉडल पर होगी या किसी और वेन्यू पर होगी, लेकिन इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इसकी कंफर्मेशन अभी तक पाकिस्तान को ये मिला है, लेकिन फॉरेन कंट्री ने ये कंफर्मेशन नहीं दिया है या आईसीसी ने नहीं दिया है कि हाइब्रिड मॉडल भी होगा। आईसीसी ने सिर्फ ये तय किया है कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला जाएगा और ये जनवरी से स्टार्ट होगा, तकरीबन मार्च तक खेला जाएगा, सॉरी फरवरी से स्टार्ट होगी, मार्च तक चला जाएगा। तो इसी के दरमियान जो है इंडिया से बहुत बड़ी खबरें आ रही है कि इंडिया की टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी मसला है या कोई और है या सियासत है, जो भी है पॉलिटिक्स है, लेकिन उससे हमें कोई वास्ता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 में पाकिस्तान नहीं आएंगे, और ये उन्होंने कन्फर्म की है, उनकी मीडिया ने कन्फर्म की है। बीसीसीआई ने अभी तक इस तरह कोई भी जो है बात नहीं कही है, ना चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात हुई है, ना किसी और पे, लेकिन सिर्फ श्रीलंका में जो मीटिंग हुआ था उसके बारे में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि वहाँ जो था थोड़ा सा ये बात हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा, उसके लिए फंड दे गई थी तकरीबन, मुझे तो कंफर्म याद नहीं है कि कितने मिलियन डॉलर थे, लेकिन वहाँ पाकिस्तान को पंड भी दी गई थी। और अब जो है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला जाएगा, पाकिस्तान ने अपग्रेडेशन का काम भी स्टार्ट की है, और उसके बाद जो है पाकिस्तान अपना जो काम है वो भी स्टार्ट करेगा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में ही खेले जाएंगी, पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे और सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी, उसके लिए बाकायदा वोटिंग होगी। वोटिंग में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जितने भी बड़ी टीमें हैं वो सारे वोट डालेंगे और उसके बाद ये कंफर्म होगा कि पाकिस्तान में खेला जाए या हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होंगे।